गुड मॉर्निंग बच्चों, साइंस गुरु जी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास टेंथ साइंस का चैप्टर 11 कर रहे हैं, आरबीएससी बोर्ड के लिए है ये स्पेशली, ठीक है। तो वर्क एनर्जी एंड पावर ये चैप्टर नेम है, ओके। सो आज हम उसका करेंगे पार्ट 5, जिसका नाम रहेगा अपना, जिसका टाइटल रहेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड फ्री फॉल। मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन समझेंगे कि एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। एंड फ्री फॉल के अंदर, फ्री फॉल क्या होता है बेटा, मतलब फ्री फॉल मतलब अपन ने किसी चीज़ को पकड़ के रखा है और वो एकदम से, मतलब इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होनी चाहिए, जीरो। यदि मैं ऐसे फेंकता हूँ तो वो फ्री फॉल नहीं है, ठीक है। वो फ्री फॉल क्या होगा, एक जगह रुकी हुई चीज़ नीचे गिरेगी, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो फ्री फॉल के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन का रूल पढ़ेंगे कि फ्री फॉल के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन का रूल किस तरीके से वर्क करता है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या। तो देखो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं संरक्षण। ढंग से समझना बेटा, यहीं पे याद हो जाएगा, अच्छे से पढ़ना। संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना। रक्षा करना मतलब उसको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब किसका संरक्षण करना है, एनर्जी का संरक्षण, मतलब एनर्जी को संरक्षित रखना है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा क्या वैसा ही रहना चाहिए। तो क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी नाइदर क्रिएटेड। पहली बात क्या कही कि द एनर्जी नाइदर क्रिएटेड, ना तो वो क्रिएट मतलब बनाई जा सकती है एनर्जी। आप ऐसे नहीं है कि नई एनर्जी बना लाओगे, नहीं, ठीक है। एनर्जी को आप ना तो बना सकते हो नोर डेस्ट्रॉयड, और ना ही तुम उसको क्या कर सकते हो, डेस्ट्रॉय मतलब ख़त्म कर सकते हो। मतलब एनर्जी ना तो पैदा होगी ना मरेगी, वही आत्मा वाला गीता सार, ठीक है। याद आया कुछ महाभारत से, तो महाभारत में कृष्ण जी ने भी क्या कहा था आत्मा के लिए, क्या कि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है। सिमिलरली एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही ख़त्म होती है, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, इसी का सेकंड पार्ट है, एक साथ लिखते हैं, वैसे मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग कर रहा हूँ इसको, ठीक है। क्या कहता है कि द एनर्जी ओनली कैन चेंज इट्स फॉर्म, इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। मतलब एनर्जी ओनली अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है। फॉर्म का मतलब हो गया कि उसका टाइप चेंज कर सकते हैं, मतलब हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल जाए। कहाँ पे बदलती है हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में, बल्ब में, ठीक है। जो अपना बल्ब आता है उसके अंदर क्या होता है, हीट एनर्जी लाइट में बदलती है। फैन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बदल रही है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी किसमें बदल रही है, विंड एनर्जी के अंदर, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन आप नई एनर्जी क्रिएट भी नहीं कर सकते हो ना पुरानी एनर्जी को ख़त्म कर सकते हो। समझ में आया। सिंपल सी बात है कि एनर्जी ना तो बनेगी ना ख़त्म होगी, बस क्या होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगी। वही आत्मा का रोल, क्या कहती है कि आत्मा ना तो मरेगी ना जन्म लेती है, बस अपना शरीर चेंज करती है। शरीर चेंज करती है मतलब फॉर्म चेंज करती है ओनली, ठीक है। वो ही सिमिलरली एनर्जी। और ये भी माना जाता है कि आत्मा नाम की जो चीज़ है वो भी क्या मानी जाती है, एक एनर्जी मानी जाती है, ठीक है। जिसकी उस एनर्जी के बलबूते ही अपना पूरा शरीर चलता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। साइंस इस चीज़ का अलग सोचती है, वो अलग मैटर है, लेकिन अपन इसके बारे में क्या कहेंगे, अपन नॉर्मली अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको अपन किससे कंपेयर कर सकते हैं, आत्मा से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ही क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को ना तो नई न्यू एनर्जी ना तो क्रिएट होनी चाहिए ना ओल्ड एनर्जी डेस्ट्रॉय होनी चाहिए, बस एनर्जी जितनी थी उतनी ही होनी चाहिए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद बात आती है किसकी, देखो बेटा, इसके बाद बात आती है फ्री फॉल,
एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्री फॉल। ठीक है, ढंग से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो देखो क्या कहता है कि फ्री फॉल, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है फ्री फॉल, कि फ्री फॉल का मतलब हो गया, मान लो इस ये कोई टेबल थी, उस टेबल के ऊपर मैंने इस बॉल को रख दिया, इस बॉल का मास क्या ले लिया मैंने m, वेट तो होगा ही, मास तो होगा ही कुछ ना कुछ। ठीक है, अब ये यहाँ पर रुकी हुई है, ठीक है, क्या है, रुकी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है, इस पॉइंट को मान लिया ए, फिर जैसे इसको धक्का मारता हूँ तो ये रास्ते में पहुँचती है बी पॉइंट पे एंड नीचे ज़मीन पे भी टकराती है सी पॉइंट पे। तो जो एनर्जी है ए पे, जो एनर्जी है बी पे, जो एनर्जी है सी पे, तो टोटल एनर्जी यानी हर पॉइंट पे एनर्जी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बात समझ में आई, क्या कहा कि एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्री फॉल, फ्री फॉल के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन, बताओ कि हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, एनर्जी संरक्षित होनी चाहिए, एनर्जी को ख़त्म या नुकसान या उसका नई क्रिएट कुछ भी नहीं होना चाहिए, जैसी है स्टार्टिंग में वैसी ही रहनी चाहिए। ठीक है, बात आया समझ में, आ गई बात समझ में। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे कौन सी एनर्जी है इसके अंदर, जब ये यहाँ पे रुका हुआ है, बताओ किसी भी चीज़ के रुके हुए रहने के अंदर भी यदि कोई एनर्जी है, एनर्जी है हाइट के साथ है, मान लीजिए ये टोटल हो गई कितनी h हाइट, क्लियर, ये इतनी सी मान ली x, तो ये कितनी बच गई बेटा h माइनस x, ये सीधा नीचे तक है, ठीक है, ये मैंने बस समझा रखा, तो ये h माइनस x हो गई, ये x हो गई यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ तक ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, अब देखो बेटा a पॉइंट पे कौन सी एनर्जी रहेगी एट ए, ए की बात कर रहा हूँ मैं, ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे आप देखो कि क्या इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहेगी, क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है तो उसे क्या होता है काइनेटिक, चल रहा है क्या, नहीं चल रहा, रुका हुआ है सर, ठीक है, रुका हुआ है तो रुके हुए रहने के कारण कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी, तो कौन सी एनर्जी एट ए इक्वल्स टू ओनली पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एम जी, जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, भाई कितने एक्सेलरेशन से ये नीचे गिर रही है, ठीक है, तो एम जी और एच, एच मतलब हाइट, हाइट कितनी है इसकी एच, क्लियर, तो ई ए कितना आ गया आपका एम जी एच, क्लियर, कोई दिक्कत, एट बी, बी पॉइंट की बात करता हूँ अब मैं, देखना बी पॉइंट पे क्या हुआ, ये चलने लग गई, चलने लग गई, लेकिन ये ज़मीन से ऊपर भी है, ज़मीन से ऊपर है तो इसका मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, और चल रही है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है, मतलब दोनों एनर्जी हो गई यहाँ पे प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई आपकी जीरो, बिकॉज वी इक्वल्स टू ज़ीरो, क्लियर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताना एक बार, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर, वेलोसिटी जीरो रही ऊपर तो वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब बात आती है बी की, भाई बी का बारे में आपने देखा कि बी के ऊपर चल भी रही है, ऑब्जेक्ट चल भी रहा है, मोशन भी कर रहा है एंड ज़मीन से कुछ हाइट पर है, ज़मीन को क्या बोलते हैं जीरो एनर्जी लेवल, पोटेंशियल एनर्जी के लिए जीरो एनर्जी लेवल, जीरो एनर्जी से थोड़ा सा ऊपर है तो इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी है, ठीक है, तो यहाँ पे ई बी क्या आएगा इक्वल्स टू पी ई प्लस के। अब देखो सबसे पहले बात करता हूँ मैं सेपरेट पी ई के बारे में, पी ई बी, बी का मतलब हो गया बी पॉइंट पे, ठीक है, तो देखो B पॉइंट पे PE क्या होगा m g, मास सेम है, g भी सेम रहेगा, h हाइट क्या आ गई h माइनस x, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन टू एम वी बी स्क्वायर, वी ए की वैल्यू जीरो थी तो इसलिए वहां पे वो हो गई, वी बी की वैल्यू वी बी, अब वी बी कैसे निकालोगे भैया, निकाल सकते हो क्या,
लगाओ थोड़ा सा दिमाग, नाइन्थ क्लास में थोड़ा सा रिमाइंड करो, क्या अपने पास कोई ऐसी चीज़ें हैं कि मैं वी बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे अपन किसको काम में लेते हैं, न्यूटन्स के जो मोशन वाली इक्वेशंस थी उनको काम में लेंगे, जिसमें थर्ड इक्वेशन क्या आती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। पढ़ी है ये, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी हो तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप इसके लिए न्यूटन्स की इक्वेशंस के लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। ओके, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, मतलब वी स्क्वायर निकालना है अपन को बी पॉइंट पे, तो यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे, ए पॉइंट पे, ठीक है, टू ए, ए मतलब एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना वर्क कर रहा है, जी जी, और एस 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 मीन्स कितना डिस्टेंस चला है यहाँ से स्टार्टिंग, एक्स, कितना एक्स। यू ए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एक्स, वी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, पुट कर दो यहाँ पे, इक्वल्स टू वन अपॉन टू एम टू जी एक्स, मतलब कि क्या निकला, टू से टू कैंसिल, ठीक है, टू से टू कैंसिल, तो क्या बना एम जी एक्स, एम जी एक्स। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, एम जी एच माइनस एक्स, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, एम जी एक्स, इसका मतलब है टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी इसके आगे पुट करो बेटा, पी ई एम जी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम जी, और ये मल्टीप्लाई एक बार एच से कर दूंगा इसको, और फिर एक बार किससे कर दूंगा, एक्स से, तो एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो एम जी एक्स माइनस से एम जी एक्स प्लस कैंसिल हो गया, बचा क्या ओनली एम जी एच। ढंग से देखना बेटा, ई ए पे कितनी थी एम जी एच, ई बी पे एम जी एच, समझ में आया, ए पे क्या थी एम जी एच, बी पे भी क्या है एम जी एच, क्लियर, तो इसका मतलब हो गया ए पे भी जो है वो भी एम जी एच है एनर्जी, बी पे है वो भी एम जी एच है एनर्जी। अब सी पे और बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, सी पे, तो सी पे बात करने से पहले राइट कर लिया करो, अपने नोट्स बनाते रहा करो बेटा, यदि नोट्स नहीं बनाओगे तो काम नहीं चलेगा, पॉज करके वीडियो को रोक के नोट्स बना लिया करो जितना भी लिखूँ, ठीक है। अब देखो अब बात करेंगे किसकी, सी पॉइंट की, एट सी, सी पॉइंट पे ई सी इक्वल्स टू वापिस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या भैया, बताओ पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे नीचे पहुँचेगा तो हाइट जीरो हो गई, हाइट जीरो हो गई, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी एट सी इक्वल्स टू एम जी एच, एच की जगह क्या आ गया एम जी जीरो, डेट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट सी हाफ एम वी सी स्क्वायर, अब भाई सब ये आ गया वापस वी सी स्क्वायर, वी सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो वापस यहाँ से ही, कैसे निकालेंगे, क्या इक्वेशन थी अपनी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी, क्या हाइट कितनी है, चला कितना है यहाँ से यहाँ तक, एच तक चल गया, एच तक, वी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो टू जी एच रख दो यहाँ पे, वन अपॉन टू एम टू जी एच, टू से टू कैंसिल, क्या बच गया एम जी एच। तीनों पॉइंट्स पे क्या आई है आपकी, देख एम जी एच में फिर जीरो जोड़ देंगे तो वापस वही आ जाएगा, लिख लेते हैं, तुम कहो फिर, आप अधूरा काम करते हो, ये लो भाई एम जी एच, क्लियर, तीनों पॉइंट्स पे इक्वल है एम जी एच एम जी एच एम जी एच, नई एनर्जी क्रिएट हुई क्या, कोई 0.1% वैल्यू बढ़ी गया, नहीं, पुरानी एनर्जी 0.1% भी कम हुई क्या, नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ,
क्या हुआ कि एनर्जी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब ये नहीं है कि तीन ही पॉइंट है, नहीं, हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, समझ में आए? कोई भी दिक्कत हो, वापिस समझना हो, किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि यदि आप बताएंगे तो ही उसका सॉल्यूशन कर पाऊंगा, यदि आप नहीं बताओगे तो मैं उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो एक कंडीशन और आती है, एक चीज़ और कहता है ये, मैं उसके बारे में हल्का सा बताऊँगा, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, उसके बारे में अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में? इन स्प्रिंग, क्या स्प्रिंग या फिर आप कह सकते हो ओसिलेटर। ठीक है, तो स्प्रिंग या ओसिलेटर क्या होता है? देखो बेटा, स्प्रिंग का क्या कहता है कि यदि मैं कोई मान लो एक स्प्रिंग लेता हूं, इस स्प्रिंग को किससे कनेक्ट कर दिया मैंने, किसी बॉक्स से। क्लियर? अब जो ये ज़मीन है ना, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये ज़मीन जो है, ये जो सरफेस है, वो सरफेस कैसा है, फ्रिक्शन लेस, क्या है, फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शन लेस का मतलब, फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण, मतलब घिसना, और लेस मतलब नहीं, इसके ऊपर जरा सा भी फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करेगा, ये जरा सा भी इसके मोशन के अंदर इफेक्ट नहीं करेगा फ्रिक्शन। ठीक है, तब क्या कह रहा है कि यदि मैं इसको किसी इस तरीके से दबाऊं, किससे, वी वेलोसिटी से इसको दबा के यहाँ पे ले आऊं, ठीक है, दबा के यहाँ पे ले आऊं, मतलब कि ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाए, तो वी वेलोसिटी से जो दबाया, तो यहाँ से जब मैं छोड़ूंगा तो ये वापस इस डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से क्या जाएगा, वापस जाएगा सेम इक्वल वेलोसिटी से। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वर्क करता है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, जितना आप किसी के ऊपर एक्शन करोगे उतना ही रिवर्स आएगा। एक्शन का मतलब है जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स वापस आएगा, तो यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो और सेम फोर्स वापस, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस कंडीशन में जो वेलोसिटी है वो जरा सी भी चेंज नहीं होगी, जिस वेलोसिटी से आप इसको दबाओगे सेम वेलोसिटी से वापस आएगा। क्लियर? तो वेलोसिटी इक्वल हो रही है, इसका मतलब है एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा कंजर्व रहेगी। सेम ओसिलेटर मतलब जो पेंडुलम आता है उसके अंदर भी, जब आप यहाँ पे और यहाँ पे जाओगे ओसिलेशन में, आप ऐसे और ऐसे घूमोगे। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है, जब तक इसके अंदर मोशन नहीं रहेगा तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, क्योंकि ये हाइट पे रखा हुआ रहेगा, लेकिन मोशन वाले कंडीशन के अंदर जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ठीक है, सॉरी, इस पॉइंट पे मैक्सिमम क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगा, और एक इस पॉइंट पे मैक्सिमम क्या रहेगी, पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ रहेगी, इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, एकदम तेज रहेगी, क्योंकि बढ़ती हुई आएगी, यहाँ पे पहुंचेगी, फिर घटना स्टार्ट होगी, फिर बढ़ती हुई आएगी, फिर घटना स्टार्ट होगी, तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्या रहता है, वही एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा, यहाँ पे इन दोनों का सम, इस पॉइंट पे इन दोनों का सम, हर पॉइंट पे जो एनर्जी रहेगी वो इक्वल रहेगी। इसके बारे में, इन दोनों के बारे में अपन डिटेल से अलग वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम स्प्रिंग के लिए एक फॉर्मूला भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक यदि किसी को कोई दिक्कत हो, किसी पार्ट फिफ्थ चल रहा है, फिफ्थ से पहले 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों में यदि कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी बच्चे देखें जो स्कूल में, हमारी स्कूल में पढ़ते हैं राजधानी इंग्लिश मीडियम के अंदर, उन सभी बच्चों को कह रहा हूं कि अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि स्कूल का कोई पता नहीं है कि आज खुले, कल खुले, परसों खुले। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई ख़राब नहीं होनी चाहिए, टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए, अपने मन से और पूरी मेहनत से अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, क्योंकि यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो इन फ्यूचर यदि अपनी स्कूल लेट खुलती हैं तो अपन सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब वीडियो देखा करो, टाइम टू टाइम अपने नोट्स बनाओ, नोट्स यदि चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक लग रहा होगा, उस लिंक से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो मोबाइल नंबर दिखा रखते हैं नीचे, कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है,
सब कुछ है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ा करो, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पुराने जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू, टाटा, टेक केयर।